हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। और फटाफट से मेरे ब्लॉग में जुड़ जाइए और हो सके तो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कर देना। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो कर लीजिए, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज मेरे जो स्पेशल रेसिपी है वो है कड़वे करेले की। वैसे तो कड़वे करेले सभी को पसंद नहीं होते, कुछ कुछ लोगों को पसंद होते हैं और कुछ को नहीं होते, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो सभी घर में अच्छे से खाएंगे, बुजुर्ग से लेके बच्चे तक सभी पसंद कर रहेंगे। तो चलिए आज की जो रेसिपी है, तो मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है यहाँ पे करेले। तो मैंने किचन गार्डन से ही तोड़े हैं, हमारे अपने घर में ही लगे हुए थे तो मैंने फटाफट यहाँ पे तोड़ लिए हैं। और अब मैं जाती हूँ किचन में और आप देख सकते हैं अभी इसके फूल भी नहीं टूटे हैं और बिल्कुल फ्रेश है, अपने घर के बिना खाद के, बिना किसी स्प्रे के। तो फ्रेंड्स, मैं इसको वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद कर लेती हूँ कटिंग। तो फ्रेंड्स, आजकल पता है आपको बरसातें हैं और बरसात में तो चाहे फ्रूट हो चाहे सब्जी हो, उसमें पानी की मात्रा हमेशा ज़्यादा ही होती है, तो सेम करेलों के साथ भी होगी। तो यहाँ पे जो करेले हैं ये बहुत ही रसीले हैं और इनसे जो जितना भी वाटर है, इसका कड़वापन है, मुझे निकालना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर बड़े बड़े पीसेस में काट लूँगी। ध्यान रखना फ्रेंड्स, आपने इसको बाहर से घिसना नहीं है, कड़वे करेले को डायरेक्टली धो के काट लेना है और वो भी बड़े बड़े पीसेस में। और जो इसके अंदर का बीज होता है वो नहीं निकालना है, बस आपने इस तरीके से चाकू की हेल्प से कट लगाना है और साइड में रखते जाना है। तो जितने भी आपके पास करेले हैं तो उसमें सारों में ऐसे ही कट लगाने हैं जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ यहाँ पे। जब आप कट लगाते हैं उसके बाद आपने हाथों की मदद से इसको थोड़ा ओपन कर लेना है, जिससे कि इसमें अच्छे से नमक वगैरह आप लगा सको। तो यहाँ पे मैंने नमक ले लिया है और अच्छे से मैं इसमें नमक लगाऊंगी। और आप भी अगर इस तरीके से बना रहे हैं तो अच्छे से नमक लगाइए, क्योंकि जो ये नमक होता है ये निकल जाएगा पानी के साथ में, तो उतना बड़ा इशू नहीं है कि भाई कहीं नमक ज़्यादा लग जाए सब्ज़ी में, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इसमें नमक अच्छे से ज़रूर लगाएं, क्योंकि नमक से ही ये जो पानी है ये बाहर सारा निकल जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखना है अच्छे से, और मैं इसको एक घंटे के लिए रखूँगी, मतलब साइड में रख देना है इसको एक घंटे के लिए। जब एक घंटा हो जाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से पानी इसमें से निकल रहा है। और आप हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा दबाएंगे तो इसमें से सारा पानी निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए जो ट्रे है उसमें कितना सारा पानी अपने आप निकला है। और अभी मैं इसको प्रेशर देके और भी निकालूंगी, एक एक पीस से अलग अलग निकालूंगी इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आपने भी सेम फॉलो करना है अगर आप चाहते हो कि कड़वे ना बने। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कढ़ाई में तेल और जितने भी मैंने मतलब निचोड़ लिए थे थोड़ों को वो मैं डाल दूंगी, तब तक हो जाएगा ये। तो साइड में मैं ये काम करती रहूंगी और थोड़े से मैंने करेले तेल में डाल भी दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आपने भी इसी तरीके से बनाना है और फॉलो करना है एक एक स्टेप, इससे टाइम की भी बचत होगी। क्योंकि अगर हम सारे करेलों को पहले निचोड़ने के लिए बैठे और उसके बाद हम फ्राई करेंगे, फिर हमें टाइम जो है उसके लिए हमें ज़्यादा चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए सारा पानी जो है निकल चुका है करेलों से, आई थिंक के बहुत सारा पानी है। तो आप भी इसी तरीके से निकाल लेना। और आप देख लीजिए यहाँ पे, ये कोई ऐसे नहीं कि वीडियो के चक्कर में पानी डाला है इसमें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसी से ही निकला है। तो जो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पहले ऐड किया था तेल के अंदर करेलों को, देख लो आप फ्रेंड्स, इतने अभी आधा मतलब कुछ परसेंट हो चुका है फ्राई। जब भी करेलों को तलते हैं इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं तलने हैं,
इसमें सॉफ्टनेस जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। और अगर आप सोच रहे होंगे कि फिर तो कच्चे रहेंगे या फिर वो टेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि जितना भी इसका कड़वापन था वो निकल चुका है। तो मैंने यहाँ पे प्याज ले लिए हैं और मैंने एक्स्ट्रा ही प्याज काट रही हूँ मैं यहाँ पे। जब भी हम करेलों को फ्राई करते हैं, बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं रखनी है, मीडियम फ्लेम पे ही पकने देना है, जिससे कि अंदर तक अच्छे से पके और बिल्कुल इसकी सॉफ्टनेस जो है वो बरकरार रहे। ये एकदम कड़क नहीं बनने चाहिए, इस तरीके से आप भी देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है। आपने सुना होगा बहुत सारा मसाला चाहिए होता है करेलों को बनाने के लिए, फिर तो नहीं बनेंगे अच्छे। लेकिन ऐसा नहीं है, जो आपके पास है आप उसी में बनाओ। तो यहाँ पे मैंने सूखा जो आम था मैंने सूखा रखा था, क्योंकि आम चूर के बदले में आम के जो सूखे हुए पीसेस है वो ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। और उसके बाद प्याज, लहसुन, दो मिर्च और नमक ऐड करके इसको मैं पीस लूँगी अच्छे से। आप भी इसी तरीके से बनाइए। साथ में मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ जीरा। और इसके बाद बस इसमें हल्दी और गरम मसाला जो पिसा हुआ होता है वो ऐड करूँगी, और इससे ज़्यादा मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने एक प्लेट में करेलों को निकाल दिया है साइड में, और अब मैं यहाँ पे जो तेल बचा था वो मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही लग रहा था तो मैंने निकाल लिया है। और 1.5 चम्मच मैंने छोड़ दिया है कढ़ाई में। और ये देख लीजिए फ्रेंड्स, आप सारा मसाला बिल्कुल महीन पिस चुका है। तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि गरम हो गया है तेल, और मैं ऐड कर रही हूँ सारा मसाला इसमें। और ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस जितने जो भी आपके पास प्याज, लहसुन, मिर्च वगैरह होती, अच्छे से उसको बस पीसना है। ये भी नहीं है कि आपके पास मिक्सी ही होनी चाहिए, आप सिलबट्टा ले सकते हो या ओखली ले सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसमें अपना काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है, और साथ में हल्दी ऐड कर दूँगी, और बस इसको पकाना है हमें जब तक कि तेल ये छोड़ने ना लग जाए। अभी तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें पानी है, क्योंकि प्याज में भी बहुत पानी होता है और लहसुन में भी पानी होता है, तो इसका पानी हमें सूखने देना है अच्छे से। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे मसाला पक चुका है, और जो इसमें से पकने की खुशबू है वो भी आ रही है। आप भी देख सकते हैं यहाँ पे तेल छोड़ दिया है मसालों ने। अब मैं इसमें कर रही हूँ ऐड जो मैंने फ्राई किए थे करेलों को, और ऑब्वियसली बात है करेलों में भी तेल तो होगा ही होगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स, मैंने प्याज पहले ही काट ली ना, लेकिन मसालों को मैं इसमें अच्छे से मिक्स करूंगी, जिससे कि अंदर तक मसाला जाए, नमक जाए, इसमें जो भी खट्टापन डाला था वो भी बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। तो मैं अच्छे से इसको चलाऊंगी, और आप देख भी रहे होंगे जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल था वो निकल के, मतलब निकल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो फ्रेंड्स, ये प्याज है यहाँ पे, और मैं ऊपर से प्याज ऐड कर रही हूँ। जितना भी एक्स्ट्रा प्याज इसलिए ऐड करते हैं, एक तो ये जल्दी पक जाते हैं, और दूसरा जितना भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल होता है इसकी हेल्प से प्याज पक जाते हैं, और प्याज जो है वो खाने में भी बहुत ही स्वाद लगते हैं कड़वे करेले में। तो आप भी इसी तरीके से बनाना, और हमेशा जो प्याज है उसको क्रंची रखना, जिससे कि इसमें और ज़्यादा टेस्ट आए, और बच्चे स्पेशली ये प्याज बहुत पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि मेहनत तो देखो लगती ही लगती है। तो मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कर देना। तो आप भी एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइए, और मैं अपने लिए बना लेती हूँ 2 रोटियाँ, क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा है। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी बनी है आज की सब्ज़ी। खाना बनाते बनाते, सब्ज़ी बनाते बनाते हालत हो गई है ख़राब, पसीना देख लीजिए। तो फाइनली मेरी यहाँ पर प्लेट तैयार है, और देख सकते हो यहाँ पर आप, ये देखो जी,
ये अच्छे बन के तैयार हुए हैं। और वैसे तो मैं बैठ के ही खाऊंगी, लेकिन आपको मैं दिखाती हूँ, मुँह में पानी आ रहा है बिल्कुल, थोड़ा पीछे से दिखाती हूँ आपको। और ये इस तरीके से देखो कितना इजी है तोड़ने के लिए भी बिल्कुल। ये देखिए थोड़ी सी प्याज ले लेती हूँ इसके साथ में, इस तरीके से सोचो बताऊंगी। वाओ वाओ, मिर्ची नहीं खाती मैं पर टेस्ट के लिए। एक बार जरूर ट्राई करना, डेफिनेटली आपको अच्छी लगेगी, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। और इसमें प्याज ऐड करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसका अलग ही फ्लेवर है। मैंने मिर्च खाई जैसे ही मुझे हिचकी आ जाती है हमेशा ही, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसे होता है। बाय बाय, टेक केयर, खा लीजिए आप भी। मलाई के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है ना जोरा? बहुत अच्छा गया। हाँ बहुत अच्छा गया। झूठ कहंदा नहीं, खा लो। अच्छा लग गया ना, खाया करूँगा, रोज खाऊंगा, पक्की गल। करेला खाऊंगा, शाबाश मेरा पुत्र। जिंदू तुसी भी खाओगे? ला खा लो, पहले आ खा लो, ठीक है। अब मैं खा लूंगी, तुसी भी खाओगे? लो आ लो खाओ। हाँ आ लो, खीरा ले ले, मिर्च तो ली ना भाई। आ लो क्या ये भाई, सच्ची स्वाद है। रोज खाया करूंगा ना, फिर बनाया करूंगी मैं थोड़े लिए। ओके कर दो। वाओ सच में ही अच्छा है भाई, रियली गुड, मेरी मेहनत रंग ले आई।